हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो कोई रेसिपी वीडियो नहीं है, बल्कि वो एक टेक्निक वीडियो है। पैकेट वाले दूध का ही इस्तेमाल करके हम घर पे मोटी मलाई कैसे बनाएं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये मैं यहाँ पे अमूल दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका फैट कंटेंट 6% है। मैं ज्यादातर ये रेड वाला पैकेट और साथ ही ग्रीन वाले पैकेट का भी इस्तेमाल करती हूँ, जिसका फैट परसेंट 4.5% है। सबसे पहले हम एक पतीले को लेंगे और उस पतीले को हम थोड़ा वेट कर लेंगे, ताकि जब हम दूध उसमें उबाले तो दूध जो है वो चिपके ना। फिर हम इस पैकेट के सारे दूध को इस कंटेनर में डाल देंगे। उसके बाद हमें इस दूध को धीमी आंच पर पकाना है, जब तक कि इसमें अच्छा उबाल ना आ जाए। और इसे हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे ताकि दूध नीचे से जले ना। जब इसमें ऐसे मलाई जमने लगेगा और ये बॉइलिंग स्टेज पे पहुंचने लगेगा, फिर इसकी जो मलाई है वो भी हम दूध में मिला देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम और बॉइल करेंगे। दूध को हम जितनी ज्यादा देर तक बॉइल करेंगे वो उतना ही ज्यादा रिड्यूस होगा और उससे उतनी ही ज्यादा मलाई जम पाएगी। तो दूध को जब इसमें बॉयल आ जाएगा, उसके बाद इसे हम 7 से 8 मिनट और गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखकर ओवरनाइट या कम से कम 8-9 घंटे फ्रिज में हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसे ठंडा करेंगे तब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मोटी मलाई की लेयर जम चुकी है। फिर उसे हम किसी चम्मच से निकाल कर कलेक्ट कर लेंगे। इस मलाई का इस्तेमाल आप कोई भी, मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं उसमें कर सकते हैं एज अ फ्रेश क्रीम, या फिर इसे आप कंटेनर में जमा कर कुछ दिनों की मलाई कलेक्ट करके घी भी बना सकते हैं। मैं भी अक्सर इसे कलेक्ट करके घी बनाती हूँ। ये घी मार्केट में मिलने वाले घी से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी। तो आज की ये जो वीडियो थी वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसे बनाकर। मलाई कलेक्ट करने के बाद अगर इसमें एक्स्ट्रा दूध आ गया हो तो चम्मच से आप इसे निकाल दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।